तो कैसे हैं आप सब? मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो बस अब ये रूम की मुझे डस्टिंग करना है, मतलब बेड क्लीन और ये जो पर्दे हैं इन सबको भी चेंज करना है। आज है संडे और 8 दिन हो चुके हैं, तो मैंने सोचा कि चलो आज इन सबको जो पेंडिंग काम है इन्हें कर ही देती हूँ। यहाँ देखिए ये सब मैंने निकाल के और सब पटका हुआ है। तो चलिए फ्रेंड्स लग जाती हूँ मैं अपने काम पे। और आज है संडे, तो बस संडे की थोड़ी सी जो क्लीनिंग है वही मैं कर रही हूँ। और ये मुझे चेंज करने थे तो बस उसको ही मैं चेंज कर रही हूँ। और मतलब संडे का दिन रहता है ना, तो मन करता है कि कुछ ना कुछ मतलब जो पेंडिंग रह जाते हैं काम उसको कर देना चाहिए। तो यहाँ पर है ना, ये जो झालर है ना मैं लगा रही हूँ, और मुझे मतलब ये चलती थी और इसको क्या पता क्या हो गया, बच्चे लोग ने खींच दिया कि क्या कर दिया, तो अब ये बंद हो गई है। मुझे पता नहीं था कि ये बंद हो गई, तो मैंने सोचा कि इसको लगा देती हूँ। और जब मैंने चालू करके देखा ना तो ये बंद हो चुकी थी। मैंने बहुत कोशिश करी पर ये बिल्कुल भी नहीं चालू हो रही है। और मतलब है ना बेडशीट भी चेंज करनी थी, क्योंकि इस बार 8 दिन हो गए तो मैंने चेंज नहीं करा था, तो बस उसको ही चेंज कर रही हूँ। और मतलब है ना जैसे 3-4 दिन में कर दो ना तो इतनी ज़्यादा गंदी भी नहीं होती है और धोने में भी आसानी रहती है, तो इसलिए। और बच्चे वाला घर रहता है ना तो बहुत जल्दी जल्दी बेडशीट को चेंज करना ही पड़ता है। और यहाँ पर देखिए मैं साइड साइड में एक गिठान बांध रही हूँ, तो ये है ना अगर मैं इसको बांध दूँगी ना तो ये बेडशीट पूरी टाइट हो जाएगी इससे, और ये बिल्कुल भी नहीं खिसकेगी जब आप इससे निकालेंगे, जब ही ये निकलेगी। और ये ऐसे ही मतलब इतनी टाइट हो जाएगी कि ये मतलब है ना, मतलब आप कल भी अगर इसे निकालोगे तो ये कल निकलेगी, मतलब आज बिल्कुल भी नहीं खिसकेगी ये। और ये मेरे को है ना तरीका बहुत अच्छा लगता है, तो मुझे तो जब से ऐसा पता चला ना, मैं जब से यही सब यूज़ कर रही हूँ तो बहुत अच्छा है। मतलब बच्चे वाले घर में तो देखो बेडशीट बहुत मतलब है ना फैलती है, तो बस ये गिठान बांध के और मतलब इसको लगा दो ना तो ये बिल्कुल भी नहीं खिसकती है। और बस हो चुका है मेरा, मतलब यहाँ पर ये दोनों मतलब बेडशीट और पर्दों को मैंने कर दिया यहाँ पर चेंज। पहले मैंने लगाया था ब्लीच और आज फिर लगा रही हूँ, क्योंकि मुझे शादी में जाना है, बस उसी की तैयारी कर रही हूँ। इसका रिजल्ट बहुत अच्छा है ऑक्सी ब्लीच का, मुझे तो बहुत पसंद आया इसका रिजल्ट। इससे फेस बहुत मतलब क्या देख रहे हो अभी मैं सोच रही हूँ कि मेरे यहाँ पर सारे बच्चे मेरा पूरा फेस कवर करके और बच्चों को डराऊँ, थोड़ा सा एंजॉय करती हूँ बीच का। mm-hmm.
बन चुके हैं। ये देखिए, ये सारे बच्चे पूरे नाग नागिन बन चुके हैं देख देख के, और दिन भर कलर्स पे ये लोग नाग नागिन का ही नाटक देखते रहते हैं। और मतलब क्या, वो इच्छाधारी नागिन है, एक इच्छाधारी नागिन, और ये बाघ चील है, मैं तो देखती नहीं हूँ, ये नेवला है, अजगर है, यानी कौन कौन से जानवर है, ये सब ये सारे के सारे जानवर है। और मैं हूँ चुड़ैल, देख लीजिए मुझे गौर से, मैं हूँ चुड़ैल। ब्लीच हो चुका है, फेस भी मैंने क्लीन कर लिया है, और ज़्यादा शायद नहीं फ़र्क पड़ा होगा क्योंकि मतलब 15 दिन पहले ही करा था, 15 से 20 दिन पहले, तो इसलिए ज़्यादा नहीं दिखा है। और यहाँ पर आप देख रहे हो ना, ये इतनी शैतानी कर रहे हैं चारों मिलके, शेषनाग शेष नागिन को क्या क्या बन के और मस्ती कर रहे हैं, और आधी नागिन तो पूरी नागिन क्या पता कौन कौन सी। चलो गो गाइस, चलिए फ्रेंड्स, तो वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, और चैनल पे नए हैं तो